बच्चों आप सब लोग मेला देखने गए हो? यस। आप लोग को मेले में क्या क्या चीजें दिखाई देती है? मेले में क्या क्या और कुछ फोटो वोटो चार्ट वार्ट मिलता है? अच्छा, आप लोग मेले में जब कोई सामान देखते हैं तो खरीदते हो ना? ये आज मैंने भी आप लोगों की क्लास 3 में एक मेला लगाया हुआ है। ये कुछ अनोखा मेला है बेटा आप लोगों का। इस मेले का नाम है रीडी मेला। इसमें जैसे और मेले की तरह आप जाते हो, सामान खरीदते हो, खाते हो या कोई चीज घर सजाने वाली लेके आते हो, घर में सजाते हो, है ना? तो इस मेले में आपको कुछ खरीदना है, कुछ करना नहीं है। आपको इस मेले में तरह तरह की कहानियां और कविता के चार्ट लगे हुए हैं, ठीक है? आप उधर दीवार पे देखो, जिधर खड़े हो, और आपको जो कहानी या कविता अच्छी लगे आप उसको पढ़ना। जो बच्चा अच्छे से पढ़ेगा वो बच्चा बढ़िया माना जाएगा। और फिर मैं इन्हें पढ़ाने के बाद आप लोग को कम्पिटिशन कराऊंगी पढ़ने का। वो जो टेबल पर रखी है कहानी, जो बच्चा एक मिनट में जितने ज्यादा लाइन कहानी पढ़ लेता है या पूरा कहानी पढ़ लेता है सही सही, जो ज्यादा पढ़ेगा वो फर्स्ट आएगा, उसके बाद जो पढ़ेगा सेकंड, उसके बाद जो थर्ड, उसके बाद जो पढ़ता है वो फोर्थ। सबको हम मुकुट पहना के सम्मानित करेंगे, ठीक है? आपको ये सम्मान किया जाएगा कि फर्स्ट आया बच्चा या सेकेंड आया, थर्ड आया। तैयार हो आप रीडिंग मेले के लिए? ये आपका बहुत अनोखा मेला है बेटा, बहुत मजा आएगा आपको, पढ़ने के लिए भी मिलेगा और एंजॉय भी होगा, है ना? चलो अच्छा, मैं इधर से शुरू करती हूँ, ठीक है बेटा? आप अपनी तरफ के वो देखो, चार्ट और ये पेपर देखो। आपको जो कहानी पसंद है वो पेपर, अच्छा ये पसंद है, बढ़िया। चंदा मामा जल्दी आओ, सबको भरमाओ, कटोरे पर बैठकर आसमान की सैर। जो इधर आप लोग खड़े, आप अपने पीछे देखो बेटा, जो चार्ट लगे हैं आप देखो, आपको जो इसमें पसंद है पढ़ने पढ़ो, जो पसंद है। हाँ, सरोनी जी की रानी मिली, चीनों की दीवानी, जितनी छोटी उतने गुण, सदा काम करने की धुन, एक बार जो दिन मिटाने बस पूरा करके दी। बहुत अच्छा बेटा, आप देखो अपने दीवान पीछे, आपको कौन सी कविता पसंद है या कहानी? ये चलो पढ़ो। आपको कौन सा कविता है कहानी पसंद है? आप अपने पीछे के देखो रीडिंग मेला। हाँ चलो, चीची ने चाटा मारा, गिरा उलट कर हाथी। बहुत अच्छा, आपको आपको पीछे देखो, आपको कौन सी कहानी या कविता पसंद है? ये पसंद है। कोई कहानी पढ़ो, पढ़ो शुरू करो। चलो चलो कोशिश करो बेटा। एक गांव था, ठीक? हाँ हाँ चलो चलो ठीक है, कोशिश किया। आप लोग बेटा यार, इस बच्चे को कौन सा पसंद है? हाँ चलो इसको पढ़ लेते हैं। बहुत अच्छा, आपको कौन सा पसंद है? चलो आप पढ़ो, आप भी पढ़ो। मामा बोल मटोल, कुछ तो बोल, कुछ तो बोल। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आपको कोई घर पसंद है? आप भी पढ़ो। मेरी काली पानी में वो हो गई। बहुत अच्छा, इसके लिए बच्चों अभी तक जो रीडिंग मेले में सबसे अच्छा पढ़े हैं, सही सही पढ़े हैं, अब उन बच्चों में से कंपटीशन होगा। अब यहाँ पे मैं एक कहानी रखी हूँ और इस कहानी को मैं, जो बच्चा पढ़ेगा, जो लोग उसमें अच्छा पढ़े हैं उनके बीच में कंपटीशन होने जा रहा है, ठीक है? आप अब उसमें से जो बच्चा सबसे पहले, मैं घड़ी से टाइम दे दूंगी, एक मिनट में जो ज्यादा लाइन पढ़ लेता है सही से पढ़ लेता है वो फर्स्ट आएगा, फिर उसके बाद जो पढ़ पाता है सेकेंड, उसके बाद थर्ड, फिर फोर्थ, फिर उसके बाद मैं जो सबको नंबर चार तक, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ को मुकुट पहना के सम्मानित करूंगी, ठीक है? रेडी हो ना? चलो रीडिंग कंपटीशन स्टार्ट, है ना? ओके तैयार हो? तो सबसे पहले आप पढ़ो सलमान, मैं अभी घड़ी देखती हूँ। हाँ चलो। एक चूहा था डाकिया के घर में, अपने परिवार के साथ रहता था, खूब खूब मारती मरते और उछल कूद रहा करता था। पढ़ते रहो, पढ़ते रहो कहानी। आती
एक दिन वह पक्षी के बागे ढीले थैले में कुछ ढूंढने के लिए भूसा और तभी डाकघर के कर्मचारी ने थैले का मुंह बंद कर दिया और टाइम होगा बस आपका हो गया टाइम पास करें होगा करण अब आप करो बेटा मेरी कंप्यूटर चालू एक चूहा था डाकघर में अपनी परिवार के साथ रहता था खूब मस्ती और उछल कूद करता था। एक दिन वह परस्परों के बड़े थैले में कुछ ढूंढने लिए घुसा तभी डाकघर में कर्मचारी ने थैला का मुंह बंद कर लिया और थैले को डाक गाड़ी में चढ़ा दिया। थैला हवाई जहाज से लंदन पहुंच गया। थैले से बाहर निकल कर चूहा परेशान हो गया। तभी उसको एक सफेद चूहिया दिखी। चूहे ने पूछा यह कौन सी जगह है। चूहिया ने कहा यह लंदन है। और बढ़िया बस खत्म। आप आने तक का टाइम शुरू। एक चूहा था डाकघर में अपने परिवार के साथ रहता था खूब मस्ती और उछल कर गरजता था। एक दिन वह बच्चे के बड़े थैले में कुछ ढूंढने के लिए घुसा तभी डाकघर के कर्मचारी ने थैले का मुंह बंद कर दिया और थैले को डाकघर में चढ़ दिया। टाइम खत्म। प्रिया का टाइम स्टार्ट। एक तोता था उसका नाम टुटू था। वह पानी पत्नी के साथ एक पेड़ पर रहता था। उसके पेड़ के पास ही एक रानी का महल था। महल के बगीचे में बैठे सारे अंगूर लगे थे। काम
नहीं रखते हो? रानी बहुत देखी थी, उसने सोचा तोते को टाइम खत्म। खड़े हो जाओ, अच्छे से खड़े हो ना। अब हम रिजल्ट सुनाने जा रहे हैं बेटा, जो अभी आप लोगों का रीडिंग कंपटीशन हुआ रीडिंग मेले में। अब उसके आधार पर जिस बच्चे ने सही पढ़ा और कम समय में पढ़ा और ज्यादा सही पढ़ा बेटा, उसके हिसाब से सबको नंबरिंग मिली है। तो फर्स्ट हमारे रीडिंग कंपटीशन में फर्स्ट नंबर पे आए हैं करण, सेकंड नंबर पे आई है प्रिया यादव, थर्ड नंबर पे आए हैं आनंद पटेल और फोर्थ नंबर पे आए हैं सलमान। तो आप लोगों को जो लोग जिस नंबर जाएगा आप लोग ऐसे आके टेबल के पास खड़े हो जाओ, अपने क्रम से खड़े हो जाओ, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फर्स्ट, ऐसे बेटा इधर मुंह करके, इधर सामने मुंह करो, सारे लोग देखेंगे और बच्चे ना। आप फर्स्ट हो, आप सेकंड थर्ड फोर्थ, ऐसे हो, ऐसे हो बेटा। आप लोगों को मैं सम्मानित करूंगी। अब ऐसे ही जो बेटा आप लोग भी अगर अच्छे से पढ़े होते तो आज ये सम्मान आपका होता, ठीक है? तो मैं इन लोगों को सम्मानित कर रही हूँ, पहले जो फर्स्ट आया पहले मैं उसको ताज पहनाऊंगी।